जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम आपके लिए पॉलिटेक्निक फिजिक्स फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो मार्च में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बीमा विश्लेषण की सीमाएं क्या होती हैं। बीमा विश्लेषण की सीमाएं क्या होती हैं देख लेते हैं। फर्स्ट, यदि कोई भौतिक राशि तीन से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, देखिएगा, यदि कोई भौतिक राशि तीन से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, उस राशि का अन्य राशियों से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। सेकंड है, इस विधि से सूत्र में आने वाले नियतांक का मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी भौतिक राशि की कोई बीमा नहीं है, जैसे नियतांक होता है उसकी कोई बीमा नहीं होती है, तो उसका बीमा विश्लेषण विधि से हम जो बीमा है नहीं निकाल सकते हैं। थर्ड, इस विधि द्वारा चार घातांक यानी कि चार घात वाली और त्रिकोणमिति जैसे साइन थीटा कॉस थीटा पदों वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या कहता है कि यदि दो निकाय यानी कि दो सिस्टम हैं ए और बी आपस में ऊष्मागतिक संतुलन में है, यानी कि ए और बी आपस में ऊष्मागतिक संतुलन में हैं, और निकाय बी किसी निकाय सी के साथ ऊष्मागतिक संतुलन में हैं, तो निकाय ए और सी भी आपस में ऊष्मागतिक संतुलन में होंगे। समझ लीजिएगा, ये निकाय ए है, ये निकाय बी है और ये निकाय सी है। तो हमने ये देखा कि यदि ए और बी आपस में ऊष्मागतिक संतुलन में हैं और बी जो है वो सी निकाय के साथ ऊष्मागतिक संतुलन में है, तो ए और बी आपस में ऊष्मागतिक संतुलन में होंगे। यही हमारा ऊष्मागतिक का शून्य नियम है। नंबर थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं कि कोणीय त्वरण को समझाइए। अब कोणीय त्वरण को हम किस तरीके से समझते हैं, देखिएगा, एकांक समय में कण के कोणीय वेग परिवर्तन की दर, ध्यान से सुनिएगा, एकांक समय में कण के कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कण का कोणीय त्वरण कहलाती है। तो कोणीय त्वरण को अल्फा से हम डिनोट करते हैं और कोणीय वेग परिवर्तन की दर जो है वो डेल्टा ओमेगा से लिखी जा सकती है, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और समय अंतराल को हम लिखेंगे T2 माइनस T1। तो हम लिख देंगे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और इसकी जो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और जो बीमा होती है बीमा को ध्यान रखिएगा T-2 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, द्रवों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है जबकि गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है और जबकि गैसों की श्यानता क्या होती है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव को समझाइए। अब देखिए, पृष्ठ तनाव को समझाना है तो पृष्ठ तनाव क्या है, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करता है, वह द्रव्य न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करता है या न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, द्रव के इस गुण को क्या कहते हैं, हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब पृष्ठ तनाव को हम कैसे लिखते हैं, जो बल है बल अपॉन लेंथ, यानी कि बल अपॉन लेंथ जो होता है वो पृष्ठ तनाव होता है, और इसे हम कैसे लिखते हैं, एफ अपॉन एल से लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, जो मात्रक होता है इसका न्यूटन पर मीटर होता है, और जो हमारी इसकी बीमा होती है तो बीमा क्या हो जाएगी, देखिएगा, एफ की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू हो जाती है।
और एल की बीमा हम जानते हैं वो हमारी एल होती है। अब इस एल को हम ऊपर जब ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, ये एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस टू हम लिख सकते हैं कि ये पृष्ठ तनाव की बीमा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य तथा ऊर्जा को समझाइए। तो कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणन को देखेगा, अदिश गुणन को वस्तु द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। यानी कि हमने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया, वो वस्तु थोड़ी डिस्प्लेस्ड हुई, तो वो फोर्स जो हमने उस वस्तु पर लगाया है और जितनी वो डिस्प्लेस्ड हुई है वो डिस्टेंस, उसकी अगर हम मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो क्या होता है, वो हमारा कार्य कहलाता है। तो अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल F है और उसका विस्थापन S है तो हम कार्य को कह सकते हैं कि F इंटू S क्या होगा, वो कार्य कहलाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऊर्जा, किसी वस्तु की काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, किसी वस्तु की काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी को समझाइए। जो कैपिटल जी होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, उसको हमें बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है वह उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। इसे कैपिटल जी से हम लिखते हैं और कैपिटल जी क्या होता है, उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर। दिखेगा जो R है वो क्या है, यदि हमारे पास दो द्रव्यमान के दो पिंड हैं अलग अलग द्रव्यमान के और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी R है और इनके दोनों के द्रव्यमान क्या है, M1 एंड M2 है। तो जो हम G का फॉर्मूला लिखें वो क्या लिखेंगे, इनके बीच लगने वाला बल F, इनके बीच की दूरी R का स्क्वायर अपॉन इन दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल। तो हमें जो मिल जाएगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G की वैल्यू मिल जाती है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालन व संवहन को समझाइए। चालन क्या होता है और संवहन क्या होता है, हम इसे देख लेते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को हम एक सिरे से पकड़कर गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरा सिरा गर्म होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि उष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर संचरित होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि चालन कहलाती है। यानी ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि हम देखते हैं उसको हम कंडक्शन यानी के चालन कहते हैं। संवहन क्या होता है, उस ऊष्मा स्थानांतरण यानी के यह ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है, यह ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें पदार्थों में क्या आ रहा है, गैस और द्रव, हम गैस और द्रव की बात कर रहे हैं, के अणु ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर अन्य भागों में चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर अन्य अणु ऊष्मा लेने आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ से बुलबुले उठकर
यहाँ से बुलबुले उठकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, तो वही हैं गैस या द्रवों के जो अणु हैं वो यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके चले जाते हैं और यहाँ पर दूसरे जो यहाँ के अणु हैं वो आ जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्था गुणांक क्या है? तो आपने पढ़ा होगा जो हुक का नियम होता है वो क्या होता है, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो प्रतिबल समानुपाती विकृति, और आप जानते होंगे कि अगर हम कभी भी इस समानुपाती को चिन्ह को बराबर के चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट को लिखते हैं, और यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे ई, और इसी ई को हम यहाँ पे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम जब फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है प्रतिबल, और ये विकृति जो है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो प्रतिबल अपॉन विकृति, और ये जो ई होता है ये हो जाता है हमारा कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ई को ही हम प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक, ये ई जो है वही हमारा प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, और ये क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसका मात्रक और विमा को जान लेते हैं। तो ई जो होता है वो प्रत्यास्था गुणांक होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ई का जो मान है वो वस्तु पर निर्भर करता है, और मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो हम इसकी विमा निकालेंगे वो एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। अब ये कोई नोटिंग पॉइंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। फर्स्ट है, यदि विकृति अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य का मतलब ये होता है कि लंबाई में, ठीक है, अगर उस कोई हमारे पास रॉड है उसमें विकृति यानी कि लंबाई में कोई भी परिवर्तन होता है, तो तब हम इसको ई को कहेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। और यदि विकृति आयतन में होती है, आयतन में उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीज किया जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, तो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभ्रमण त्रिज्या का सूत्र लिखिए। परिभ्रमण त्रिज्या का सूत्र होता है के इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम, और आई जो है वो है जड़त्व आघूर्ण, जो वस्तु है उसका जड़त्व आघूर्ण है, के परिभ्रमण त्रिज्या को कहते हैं, और एम जो है वो वस्तु का समस्त द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय प्रसार गुणांक को समझाइए। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का ताप, देखिएगा किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अथवा दैर्ध्य प्रसार गुणांक कहते हैं, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको हम लिख सकते हैं प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है अल्फा इक्वल टू एल इंटू डेल्टा टी होती है, और इसको हम एल इंटू टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दाब और गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र बताना है। तो दाब और गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र बताने के लिए हमें उनके मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले देख लेते हैं, दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और जब हम इसकी विमा को निकालते हैं तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू हमें इसका दाब का मात्रक जो है वो न्यूटन पर मीटर मिल रहा है, तो विमा इसकी एम एल माइनस वन टी माइनस टू मिलती है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर लिखने पर हमें जो वैल्यू मिल जाती है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मिलती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है कैपिटल जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, और स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण हम कहते हैं, इसमें संबंध स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि न्यूटन का कुछ गुरुत्वाकर्षण नियम था, उसका फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल टू कैपिटल जी एम वन अपॉन एम टू, एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर m क्या है, m1 की जगह पर हम क्या रखेंगे,
एम ई जिसमें हमें दे रखा है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और एम टू की जगह पर हम एम रखेंगे जो हम किसी एक पिंड का द्रव्यमान कह सकते हैं। आर ई जो हम रखेंगे वो आर की जगह पर रख देंगे जो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर। इस फिगर को समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है यानी कि पृथ्वी है। इस पृथ्वी का यहाँ पर सेंटर है, सेंटर में जो मास है टोटल वो एम ई होगा, और इस पृथ्वी की सतह पर एक पिंड है जिसका मास एम है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये फॉर्मूला फाउंड किया, और हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, और ए क्या होता है कि गुरुत्व, ये होता है त्वरण, और जी क्या होता है, ये होता है गुरुत्व त्वरण। तो अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें गुरुत्व त्वरण है, तो गुरुत्व त्वरण यानी कि त्वरण की जगह पर हम गुरुत्व त्वरण को रखेंगे। तो ए जो होता है वो त्वरण होता है और जी होता है गुरुत्व त्वरण। ये कौन सा त्वरण होता है, ये रेखीय त्वरण होता है। तो एफ इक्वल टू एम जी हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो एफ अपॉन एम होता है, और एफ की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, एफ की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, और एफ की वैल्यू रखने पर हमें जो मिलता है जी एम ई इंटू एम अपॉन एम आर ई का स्क्वायर। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। एम से एम कैंसिल आउट हो जाता है, अर्थात जो जी का मान होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो जी का मान होता है वो कभी भी द्रव्यमान पर यानी कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सततता समीकरण यानी कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है उसकी उत्पत्ति हमें करनी है। तो देखिएगा, सततता समीकरण क्या होती है, द्रव के स्थायी प्रवाह हेतु सांतत्य यानी जिसे हम कंटिन्यूटी बोल रहे हैं, सततता बोल रहे हैं, तो द्रव के स्थायी प्रवाह हेतु सततता समीकरण के अनुसार हम क्या देखते हैं कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा उसके संगत द्रव प्रवाह के वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, बिंदु पर नियत रहता है, और वही हम उसी को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज को विसर्जन, डिस्चार्ज को हम बोल सकते हैं विसर्जन। अब इसकी उत्पत्ति को देख लेते हैं। हम इस फिगर से सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक ये फिगर दिया हुआ एक पाइप है, और उसका ये जो सिरा है ये 1-1 सेक्शन हो गया, ये 1-1-2 हो गया, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। तो उत्पत्ति में हम क्या देखते हैं, किसी पाइप के अनुप्रस्थ काट, ये कोई पाइप था और इसमें से हमने एक टुकड़ा उसका ले लिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से गुजरने वाला प्रति सेकंड, देखिएगा किसी पाइप के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाला प्रति सेकंड द्रव प्रवाह की दर नियत रहती है, यानी कि प्रति सेकंड जो भी उस पाइप से द्रव गुजरेगा उसके द्रव प्रवाह की दर यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नियत रहेगी प्रति सेकंड में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रो ए वी इक्वल टू नियत यानी कि कांस्टेंट। अब हमारे पास दो सेक्शन है, तो यहाँ से जो द्रव जाएगा वो इसी स्पीड से यहाँ पर निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं रो वन जो द्रव की डेंसिटी है, और ए यहाँ का सेक्शन यानी कि सेक्शन वन है और ये क्षेत्रफल, और वी वन क्या होती है, यहाँ सेक्शन एक यानी कि वन की वेलोसिटी है, और रो टू क्या है, सेक्शन टू की डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं घनत्व, और ए टू है सेक्शन टू का क्षेत्रफल, और वी टू है सेक्शन टू की वेलोसिटी। तो यदि द्रव संपीड़न इनकम्प्रेसिबल है तो हम लिख सकते हैं कि रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू रो होता है। तो फिर हम समीकरण ए से रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, अब हमने क्या कहा था कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है हमारे पास, संपीड़न द्रव है, तो रो वन इक्वल टू रो टू होता है, और इसको हम रो से लिखते हैं तो रो ए वन वी वन इक्वल टू रो ए टू वी टू हो जाएगा। रो से रो कैंसिल आउट करने पर हमें मिलता है ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, और यही हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं, विसर्जन यानी कि जो डिस्चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ए वन यानी कि जो एरिया है सेक्शन ए का, और जो वी वन है वो सेक्शन ए की वेलोसिटी है। तो एरिया की और वेलोसिटी की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है डिस्चार्ज यानी कि विसर्जन, और ये क्या होता है, ये एक कॉन्स्टेंट होता है। ए
हमारे पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो मीटर स्क्वायर में होता है, और वी क्या है, द्रव का प्रवाह है जो मीटर पर सेकंड में होता है, और जो हमें डिस्चार्ज क्यू मिलता है उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। और इसका अगर हम वी में सूत्र लिखें तो एल क्यूब और टी माइनस वन हमें मिल जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुल्यकारी उपग्रह या भूस्थाई उपग्रह तथा इनका उपयोग। तुल्यकारी उपग्रह क्या होता है, या हम इसको भूस्थाई उपग्रह भी कहते हैं, तो इनका उपयोग क्या है वो हमें बताना है। तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है उस तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है तुल्यकारी उपग्रह कहलाता है। एक बार और देख लीजिएगा, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर है तुल्यकारी उपग्रह कहलाता है। इसके उपयोग क्या क्या हैं? इसका उपयोग हम उल्का पिंडों के अध्ययन में करते हैं, ब्रह्मांड से आने वाले विकिरण के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की वास्तविक आकृति का पता जब हम लगाते हैं तो उसमें तुल्यकारी उपग्रह का ही हम उपयोग करते हैं, और वायुमंडल की ऊपरी सतह के बारे में अध्ययन करने के लिए हम तुल्यकारी उपग्रह का प्रयोग करते हैं, और मौसम की भविष्यवाणी बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हमें एक न्यूमेरिकल मिलता है। न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है, 80 किलोग्राम यानी कि 80 केजी का एक पिंड है जिस पर जब 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या हम बोल सकते हैं 1000 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो पिंड विराम अवस्था से चलकर, देखिएगा, विराम अवस्था से चलकर 24.5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है, तब पिंड का संवेग परिवर्तन तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें दो चीज़ें ज्ञात करवा रहा है, जो है संवेग परिवर्तन और त्वरण। तो हम देख लेते हैं, दिया हुआ है पिंड का द्रव्यमान, हमें दिया हुआ है 80 केजी है, बल दिया हुआ है एफ 1000 न्यूटन है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें ये दिया हुआ है पिंड विराम अवस्था से चल करके आ रहा है। देखिए, विराम अवस्था में वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि प्रारंभिक वेलोसिटी V1 उसकी 0 होगी, और कहाँ तक जा रही है उसकी वेलोसिटी 24.5 मीटर पर सेकंड तक, तो V2 क्या हो जाएगी 24.5 मीटर पर सेकंड। तब संवेग में परिवर्तन क्या होता है, यानी कि डेल्टा P इक्वल टू M इंटू डेल्टा V, जो संवेग होता है वो MV होता है, तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा P इक्वल टू M डेल्टा V हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी। अब डेल्टा वी को V2 - V1 हम लिख सकते हैं, तो एम की वैल्यू रख देंगे 80 है, और V2 की वैल्यू 24.5 - 0। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलता है 1960 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमें आंसर मिल जाता है। ये हमें आंसर मिला है संवेग में परिवर्तन। और हमें दूसरा निकालना था त्वरण। त्वरण को हम क्या कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, F की वैल्यू हमें 1000 गिवन है, M की वैल्यू 80 गिवन है, A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है 12.5। तो जो त्वरण है वो 12.5 होता है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, घर्षण कोण तथा संपर्क कोण समझाइए। घर्षण कोण और संपर्क कोण क्या होते हैं, देखिएगा, हम इस फिगर को समझ लेते हैं। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस पर कोई एक बॉडी वस्तु रखी हुई है, और हम इस वस्तु को एफ बल से इधर की तरफ खींच रहे हैं। इस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, जो भार होगा टोटल, वो होगा W = mg, और डाउनवर्ड होगा वर्टिकली, ठीक है, नीचे की तरफ लगता है, और इस सतह से इस वस्तु पर एक रिएक्शन फोर्स यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी जो होती है R। तो जब हम इसको इस साइड यानी कि इस तरफ को खींचेंगे तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन होगा जिसे हम बोलते हैं FS, और FS हमारे पास ये
जो लगाए गए बल के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम ये देखते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया आर के परिणामी, जो हम अगर यहाँ पर एफ एस की वैल्यू के यानी कि एफ एस के पैरेलल में एक लाइन खींचें और यहाँ से इस लाइन को मिला दें तो हमें जो मिलता है ये इसका परिणामी मिलता है, यानी कि ये क्या है, ये आर का परिणामी है। तो लिखा हुआ है कि अभिलंब प्रतिक्रिया आर के परिणामी पी, ये क्या है, पी है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया आर के परिणामी पी तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को घर्षण गुणांक कहते हैं, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया पी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच का जो कोण है उसको हम क्या कह रहे हैं, घर्षण कोण कह रहे हैं। तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी जो है वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर टेन लैम्डा करें तो हमें मिलता है बी सी अपॉन ओ बी, क्योंकि टेन जो होता है वो हम लिखते हैं बी सी यानी कि इसका लंब और अपॉन में आधार। तो देखिएगा इस एंगल में, इस ट्रायंगल में हमें क्या मिलता है, ये हमारा क्या है, बी सी लंब है और ओ बी जो है वो आधार है। तो बी सी अपॉन ओ बी हो जाएगा और बी सी की वैल्यू देखिएगा एफ एस है तो हम यहाँ पे एफ एस रख देंगे, ओ बी की वैल्यू क्या है, आर है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, आर रख देंगे और इसी को हम कहते हैं म्यू एस। ये म्यू एस के इक्वल टू होता है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए टेन इनवर्स करेंगे हम, जो इधर टेन आएगा वो इनवर्स में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ एस अपॉन आर और इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यू एस बोलते हैं। और म्यू एस क्या होता है, सीमांत घर्षण गुणांक होता है, यानी कि जो म्यू एस होता है वो क्या होता है, टेन लैम्डा। और टेन लैम्डा की वैल्यू हमारे हमें क्या मिल जाती है, एफ एस अपॉन आर, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर लिखिएगा। तो टेन लैम्डा इक्वल टू हम म्यू लिख सकते हैं और म्यू इक्वल टू में एफ एस अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसके बराबर इसे नहीं लिख सकते, इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। संपर्क कोण क्या होता है, द्रव के ठोस के साथ स्पर्श बिंदु पर ठोस की सतह पर द्रव के भीतर की तरफ खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस सतह के मध्य के कोण को स्पर्श कोण या संपर्क कोण कहते हैं। देखिएगा मान लो यहाँ पर एक दीवार है और यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, आप देखते हैं कि दीवार के पास में पानी थोड़ा उठा हुआ होता है, ये एक कर्व टाइप लगेगा, एक वक्र खींचा हुआ लगता है। तो यहाँ पे इस वक्र पर इस वक्र और पानी के अंदर की तरफ लाइन खींचने पर और ये जो हमारा ठोस सतह है, ठीक है, ठोस सतह है तो इसके साथ जो एंगल ये बनाएगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, संपर्क कोण हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रियाओं में अंतर समझाइए। समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रियाओं में अंतर क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं समतापी प्रक्रम और सेकेंड हमने लिख लिया रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें समतापी प्रक्रम क्या होता है, इस प्रक्रम में ताप नियत रहता है। देखिएगा समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है तो डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो होगा, ताप में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ताप नियत रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ताप बदलता रहता है, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप नियत नहीं रहता है। समतापी प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है और रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि ऊष्मा घटती बढ़ती नहीं है। तो चेंज इन जो हमारे पास ऊष्मा होती है तो वो क्या होती है, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन जीरो होगा। अब आदान प्रदान नहीं होगा तो ऊष्मा में परिवर्तन जीरो ही होगा, ना तो वहाँ पर ऊर्जा आ रही है ना वहाँ से ऊर्जा जा रही है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। समतापी प्रक्रम, यह प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होता है और रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। समतापी प्रक्रम आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, समतापी प्रक्रम की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो नियत रहती है, यानी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में चेंज डेल्टा यू इक्वल टू जीरो होगा और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा बदलती रहती है। विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, ठीक है, जो हमारा समतापी प्रक्रम होता है उसमें विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है और रुद्धोष्म प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। याद रखिएगा रुद्धोष्म प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, शून्य होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाऊं,
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं।